गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना, कैसे आप सब? आज की वीडियो मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो शॉपिंग हॉल। मैंने मीशो से रैंडम शॉपिंग की है, जो जिसमें की है फैंसी बैग्स है, हील्स है, एंड होम डेकोर के कुछ आइटम है, एंड कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको उसमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से बाय की है जो कि मैं आपको एक करके दिखाने वाली हूँ, और बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो कि मैंने लिया है, व्हाइट कलर का ये पर्ल बैग, फैंसी बैग, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही क्यूट बैग है। तो आप इसे ड्रेस के साथ, एंड इंडियन ड्रेस के साथ, वेस्टर्न ड्रेस के साथ, दोनों के साथ बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं, और इसमें आपका मोबाइल भी आ जाएगा बहुत ईजिली। तो बहुत ही सुंदर सा ये बैग है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला है। तो ये पर्ल बैग है फर्स्ट वन जो कि मैंने मीशो से बाय किया है, काफी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। नेक्स्ट मैंने अगेन एक पोटली पर्ल वाला बाय किया है, जिसमें कि पर्ल एंड स्टोन्स लगे हुए हैं, और बहुत इस तरह की शाइनिंग पोटली बैग है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही रॉयल लग रही है देखने में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे रिसीव हुई है। और मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से ओपन होगा, और इस तरह से इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, लेकिन हाँ, इसमें मोबाइल नहीं आ सकता है, बाकी चीज़ें आएगा, क्योंकि ये एक फैंसी बैग है। तो इस तरह आप इसे साड़ी पे लीजिए, सूट्स पे लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही रॉयल लगेगा। ये कैंसी कितनी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ, ऐसा लगता है कि मीशो का है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। नहीं, कुछ कुछ चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि इसकी इसकी क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये रिसीव हुआ। तो अगर आप पोर्टली बैग लेना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं, आपके बहुत सारे साड़ी के साथ सूट के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसमें वाइट कलर भी है एंड थोड़ा सा गोल्डन टच भी लग रहा है, तो आप जिसमें गोल्डन वर्क हो रखा है उसमें भी ले सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट पोटली बैग। नेक्स्ट मैंने वहाँ से एक हील बाय किया है जो कि वाइट कलर की हील है, इस तरह की, मैं ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरह की वाइट कलर की हील है जो कि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी स्टाइलिश भी दिखती है। तो इस तरह की हील है, मैं पहन के दिखा दूँ कि मेरे पैर में कैसे लग रहे हैं। इसमें मेरा साइज है 7 नंबर, और इसकी हील इस तरह वाली हील है, तो काफ़ी कंफर्टेबल हील है। तो आप इसे ड्रेस के साथ, जीन्स के साथ बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं, साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। जो इस तरह में पॉइंट बने होते हैं तो बहुत सुंदर लगती है, अगर थोड़े से पैर गंदे भी हैं तो भी नहीं दिखते, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वहां से मैंने ये हील बाय की है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे वहां से रिसीव हुई है। मैंने वहाँ से एक इयररिंग पेयर बाय किया है, जिसमें कि 9 पेयर इयररिंग आया है इस तरह से, और मैंने इसमें से कुछ इसमें गिरा हुआ है, मतलब मैं, क्योंकि मैंने एक एक पहन के दिखाया है तो मैं साइड में दिखा दूंगी किस तरह से लग रहा है। सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट हैं, आपके सारे ड्रेस के साथ चले जाएंगे, आप जीन्स के साथ इसे कैरी करिए, सूट के साथ कैरी करिए, साड़ी के साथ करिए, हुप इयररिंग्स भी हैं, तो बहुत ही सुंदर एंड क्यूट इयररिंग्स हैं और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे इयररिंग बहुत काम आते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि हम हमेशा हैवी इयररिंग्स नहीं पहनना चाहते, तो इस तरह के इयररिंग काफी कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो ये आप इस तरह की इयररिंग भी बाय कर सकते हैं, जो कि एक साथ 9 पेयर मिल रहे हैं, और सारे ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और काफी अफोर्डेबल प्राइस में रिसीव हुए हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारे पेयर का ये इयररिंग सेट ले लिया है ताकि पहनने में काम आएगा। तो आप ये काफी यूजफुल है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ी इयररिंग्स नहीं पहनते तो इस तरह के छोटे छोटे इयररिंग तो ऑब्वियसली पहनते ही होंगे। तो ये नेक्स्ट इयररिंग लिया मैंने, मैंने वहां से एक होम डेकोर आइटम लिया है जो कि आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट है, ये कैंसी, इस तरह का प्लांट मेरे घर में ऑलरेडी 2 हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही रियल लुक देते हैं। तो ये वाला प्लांट मैंने किसी और साइट से लिया था, तो वहां मुझे काफी कॉस्टली मिला था, मैंने काफी पहले लिया था, तो 450 अराउंड मुझे एक प्लांट रिसीव हुआ, इसका हाफ में मुझे ये रिसीव हुआ है। तो मुझे हाफ प्राइस में जब मीशो पे दिखा तो मैंने एक और ऑर्डर कर लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहीं भी हैंग करो, ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, मैंने बैक साइड में यहाँ हैंग कर रखा है, सेम टू सेम ही है, लेकिन इस तरह से डेकोरेशन के लिए ले सकते हो। इसके साथ पॉट भी है, तो रखने में बहुत इजी हो जाता है, आप कहीं भी रखो, पॉट तो नहीं दिखेगा, ये प्लांट दिखेगा, तो काफी रियल लुक देता है, और इसकी जो लीफ है वो काफी रियल लगती है। तो मुझे ये वाला प्लांट, हैंगिंग प्लांट, बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो जैसे मैंने दूसरे साइड से लिया था, सेम टू सेम इस साइड पे भी मिला है, लेकिन हाफ प्राइस में मिला है, तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं अगर आप इस तरह के हैंगिंग प्लांट लगाना पसंद करते हैं, आप इस तरह का अगर डेकोरेशन पसंद करते हैं तो डेफिनेटली इसे बाय करिए। नेक्स्ट मैंने एक सेल्फी स्टैंड बाय किया है, जो कि मैं अभी मसूरी जा रही थी तो मैंने बाय किया था, तब उस टाइम आया नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया डिलीवरी में, तो अभी आया तो मैं का दिखा देती हूँ, काफी यूजफुल है अगर आप वीडियो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो इस तरह के स्टैंड के साथ आ रहा है, और ये काफी
बड़ा सा ओपन भी हो जाता है, और यहाँ आप अपना मोबाइल लगा लीजिए, और इसके साथ ये लाइट भी रिसीव हुई है, छोटू सा लाइट। यहाँ एक बटन दे रखा है, ये देखो ये जल गई लाइट, और यहाँ पे लग जाएगा ये लाइट, और यहाँ लगेगा मोबाइल। तो इस तरह से मोबाइल लगेगा, इस तरह से लाइट, और यहाँ एक रिमोट भी दे रखा है। यू कैन सी इसे कैसे यूज़ करना, कब काम करेगा, कुछ लगा के मुझे नहीं अभी पता, मैं इसको प्रॉपर देखूंगी तभी पता चलेगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं इसे। एंड इसके साथ स्टैंड भी है, तो आप इसे स्टैंड पे भी खड़ा कर सकते हो। ये देखो ये स्टैंड है, इसके साथ यूएसबी भी रिसीव हुआ है, ये लाइट को चार्ज करने के लिए, चार्जेबल लाइट है ये, और लाइट इस तरह से निकल भी जाएगी, और यहाँ से ऑफ कर दो। तो ये है सेल्फी स्टैंड, जो कि मुझे काफ़ी यूजफुल लगा, इसलिए मैंने रख लिया। तो इसको बंद कर दो तो एकदम छोटू सा हो जाता है। तो अगर आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पसंद है तो आप इस तरह का सेल्फी स्टैंड भी ले सकते हैं, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी ले सकते हैं। तो इस तरह का सेल्फी स्टैंड जो कि काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, तो आप इसे किसी भी बैग में बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइटम मैंने वहाँ से ये लिया है, नेक्स्ट एंड लास्ट लिया है, जो कि ये छोटू सा लाइट है, मोबाइल लाइट। इसके साथ भी एक यूएसबी रिसीव हुआ है, यहाँ से एक बटन दे रखा है, ये लाइट ऑन हो जाएगी, और इस तरह से आप मोबाइल पर इसे लगा सकते हो। जी ऐसे आप फोटो क्लिक कर सकते हो, थोड़ी सी लाइट बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, और ये इसमें चार्ज वाला ऑप्शन है, तो आप इसे बहुत इजीली चार्ज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यूएसबी रिसीव हुआ है, जो कि इधर उधर कहीं पड़ा है। तो नेक्स्ट आइटम ये है। तो इतने सारे आइटम मैंने मीशो से बाय किए हैं, कौन सा आइटम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से कुछ भी लेना हो, हील पर्स कुछ भी लेना हो, तो आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हैं। सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।